नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं अलोक शुक्ला बाबू आप सभी का स्वागत करता हूँ। एसएससी आईएमडी का फॉर्म फिलिंग डेट क्लोज हो चुकी है। एक दिन जो बचा हुआ है वो आपका देखा जाए तो केवल चालान की डेट बची हुई है, और अब बारी आती है कि आपकी जो तैयारी है वो एकदम से स्पीड पकड़ लेनी चाहिए। लेकिन इस स्पीड पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही जरूरी हथियार होने चाहिए, जिसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आज के सेशन में मैं आपसे यही चर्चा करने वाला हूं कि क्या एक बेहतर रणनीति आपके पास होनी चाहिए, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें कहां से पढ़ना चाहिए और कितने घंटे पढ़ने चाहिए। इन सारी चीजों की हम लोग यहां पे जिक्र करेंगे। इसके भी हम लोग जिक्र करेंगे कि आखिर जो पिछले बार एनालिसिस देखा जाए तो पिछली बार किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछा था, वो चाहे जीएस वाली टॉपिक हो, चाहे आपके स्पेशल सब्जेक्ट की टॉपिक हो, चाहे फिजिक्स की बात करें या फिर हम सीएसआईटी की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, उसमें हम जो महत्वपूर्ण किताबें परीक्षा प्लस की तरफ से दी जा रही है इसकी बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग जो फिजिक्स का है, इस सेशन में स्पेशली मैं फिजिक्स की स्ट्रेटजी लेके आया हूं। कंप्यूटर साइंस की स्ट्रेटजी आशीष सर ने पहले से बना दिया, आप वो वीडियो देख सकते हो। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में लगी मिलेगी आपको, और जो ऐप वाले हैं उनको ऐप में ही लगी मिलेगी। तो ये आपके फिजिक्स का क्या हो जाएगा, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया था, ये आपका यहाँ पे एनालिसिस होगा। उसके बाद उसके लिए क्या महत्वपूर्ण किताबें हैं, ये साथ में ही जो एक कुछ स्पेशल चीजें आपको परीक्षा प्लस की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही हैं, मतलब कुछ ऐसा कंपेंडियम टाइप में जो एकमात्र पढ़ने से आपके मैक्सिमम स्कोर वहीं से गेन हो जाए, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमें एसएससी आईएमडी के जब हमने फॉर्म भर दिया है, भाई जो फॉर्म नहीं भरे हो उनके लिए तो ये वीडियो एकदम उपयोगी नहीं है, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो फॉर्म भर दियो वो आप कहीं ना कहीं इस चीज को एकदम वहापुर की स्थिति में मत रहो कि तैयारी की जाए या ना की जाए। एक बात मैं पहले ही इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले ही लाइन में कह रहा हूं कि अगर कोई वन ऑफ द इजिएस्ट एग्जाम है, सबसे आसान नौकरी लेनी है, तो वो है आईएमडी। इजिएस्ट एग्जाम है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये इजिएस्ट एग्जाम मैं बोल रहा हूं, क्यों इसे मैं बोल रहा हूं कि सबसे आसान तरीके से इसे लिया जा सकता है, इसकी भी मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। पहली बात तो ये कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, इसमें मैक्सिमम डिप्लोमा वाले या बीएससी वाले ही इसमें क्या है एलिजिबल है, पहली बात तो ये है, तो यहाँ पे कंपटीशन कम हो गया। दूसरी बात जो क्या हो रहा है, स्पेशल सब्जेक्ट हो जाता है, स्पेशल सब्जेक्ट हो जाता है तो ऑलरेडी बाकी क्या होते हैं फिल्टर्ड आउट हो जाते हैं, तो वहां पे भी कंपटीशन को बहुत कम कर दिया जाता है। तीसरी बात यह है कि इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है, और नहीं जाने की कोई संभावना है, वो चाहे वर्ष 2017 में जो पेपर हुआ था उसकी बात करें या वर्ष 2022 का दिसंबर या हो सकता है जनवरी 2023 में जो आपका पेपर संभावित है। वैसे एसएससी के कैलेंडर में और उसके नोटिफिकेशन में दिसंबर एक्सपेक्टेड दिया है, बट वो बहुत लेट करेगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में करेगा, इससे ज्यादा देर नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास समय कितना बचा हुआ है, हमारे पास समय जो है वो नवंबर का महीना बचा हुआ है, अक्टूबर में आपके पास 8-10 दिन जो बचे हैं वो बचे हैं, बाकी आपके पास नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, मतलब 70 दिन मिनिमम आपके पास कितने दिन बचे हैं, 70 दिन बचे हैं। और ये 70 दिन की आपके पास बहुत ही बेहतर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये आप समझना। जितनी बेहतर आपकी स्ट्रेटजी होगी इन 70 दिनों में, उतना ही बेहतर तरीके से आप निकाल पाओगे। मैं सेशन को स्टार्ट जब कर दिया हूं तो एकदम इनिशियल में बता दूं कि जो इसका कट ऑफ होता है, मैं आपको बोल दूं कि अगर 140 क्वेश्चन इस बार आप कल ले जाओगे, कितने में से 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन आपका पार्ट ए रहेगा, जिसमें आपके मैथमेटिक्स, आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश और आपका जीएस पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन आपका स्पेशल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, जो फिजिक्स के स्ट्रीम से पेपर दोगे उनसे केवल फिजिक्स पूछा जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से दोगे उनसे केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाएगा, और जो सीएसआईटी से दोगे उनसे केवल सीएसआईटी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है मिक्स नहीं पूछा जाएगा, ये क्लियर है। तो जब स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है तो जब आपका इसमें 100, आप ये बोल सकते हो कि जो पार्ट वन है, पार्ट वन यानी कि जिसमें आप जीएस इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहे हो, उससे आप नहीं कुछ तो 70 क्वेश्चन बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो, मिनिमम 70 बहुत आसानी से आ जाएगा। हालांकि बच्चे यहां पे ज्यादा स्कोर करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, तो अगर ये 70 में मिनिमम बताया हूं, इसमें जितना आप ये मैक्सिमाइज करते चले जाओगे, अगर 80 पाओगे तो बहुत अच्छा है, और अगर 85 तक गेन कर लो जाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फिर आपको उतना ही वर्कलोड कम पड़ेगा। यहां पे जो आपका 100 है, यहां पे अमूमन बच्चे कहां से स्कोर करते हैं, 60 से लेकर 80 स्कोर करते हैं, इससे ज्यादा स्कोर नहीं हो पाता। हालांकि अगर आप चाहोगे तो स्कोर कर भी सकते हो, लेकिन समय को देखा जाए तो आपके पास 70 दिन है, और 70 दिन में एक सिलेबस बड़ा है। अगर अब मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है, उसमें मैथ्स के भी कुछ टॉपिक है, कैलकुलस वगैरह हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, ये सारे टॉपिक इंक्लूड किया जाए, उसके बाद फिर जो इसमें
वेव ऑप्टिक्स है वो भी पूछा जाएगा, तो सब मिला लिया जाए तो सिलेबस काफी बड़ा है। मतलब एक तरफ आपका पूरा फिजिक्स का सिलेबस अलग से ले लिया जाए और एक तरफ आपसे पार्ट वन ले लिया जाए, तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। फिर भी मैं बोलूंगा कि इसमें 70 ऑन एवरेज स्कोर करना क्या है, आसान है, 70 स्कोर करना आसान है। तो एक आपका जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इनिशियल में, अगर मैं बात करूं तो एक आप मोटा मोटा दिमाग में क्या लेके चलोगे कि जो आपका पार्ट वन है, मैं एकदम लिखते चल रहा हूं, पार्ट वन और पार्ट टू आप दो चीज डिवाइड करोगे और ये आपका लक्ष्य। सबसे पहले हम क्या डिफाइन, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम कैसे स्कोर करेंगे। एक बार आप अपना लक्ष्य बना लो तो लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य आपका मिनिमम 140, मिनिमम आपका क्या होना चाहिए 140 होना चाहिए, और मैक्सिमाइज आप कितना भी कर लो अपने सिलेक्शन को क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए। हालांकि मैं बता दूं इसमें केवल आपका रिटन एग्जाम है, बाकी कोई चरण नहीं है, एक पेपर दे दोगे और आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल होके आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और 140 नंबर 137 करीबन पिछली बार बहुत कमी थी, है ना, वो क्या गया था, फाइनल कट ऑफ गया था, तो मैं फिर भी 140 बोल रहा हूं, और 140 से 150 का नंबर इस बार आपको फाइनल सिलेक्शन देने वाला है। अब पार्ट वन में आपका क्या आ रहा है, पार्ट वन में पहला पार्ट आ रहा है मैथ्स। मैथ्स में आपको बोल दूं कि इसमें इजी लेवल की मैथ्स आती है, भले ही एसएससी करवा रहा है बट एसएससी सीजीएल के लेवल की नहीं आती, ना ही सीएचएसएल लेवल की आती है। आप बोल सकते हो कि जो मैथ्स है वो किस लेवल की आती है, एमटीएस लेवल की आती है। अब एक बच्चा जो डिप्लोमा करके आया हुआ है, एक टेक्निकल बच्चा जो है, उसके लिए एमटीएस लेवल की मैथ्स कोई टफ नहीं है। सिंपल से आपसे परसेंटेज से पूछेगा तो बोलेगा 0.2 80 का कितना परसेंटेज है, ये पूछेगा। अब आपको अगर ये कैलकुलेशन करनी हो और इसमें समय लगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस वैकेंसी के लिए हो। ये बहुत ही आसान है और ऐसे लेवल का आपका मैथ पूछता है, और मैं ये बोलूंगा जिसमें आपके 25, अभी केवल टारगेट फिक्स करना है, 25 में 20 प्लस आपको मैथ्स में मिनिमम टारगेट करना है, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो मैथ्स में थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सकते। हालांकि ये आर्ट साइड वाला फील्ड नहीं है, केवल टेक्निकल फील्ड है, केवल मैथ्स वाली फील्ड है, तो जाहिर सी बात है मैथ्स आपका स्ट्रांग पॉइंट होगा। तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम आप 24, ये मैं 25 तो अतिशयोक्ति की बात नहीं करूंगा, तो 20 से 24 के बीच में, क्योंकि मैथ्स आपका बैकग्राउंड है, यहां पे अगर कम हो गया तो फिर आपका और पार्ट में निकालना मुश्किल हो जाएगा। और जिन बच्चों की मैथ्स स्ट्रांग होती है, रीजनिंग ऑलरेडी स्ट्रांग होती है, नहीं रीजनिंग स्ट्रांग है, फिर भी मैं बोलूंगा कि आप 24 से 25 यहां पे टारगेट बनाओ। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के 50 क्वेश्चन होंगे, और इस 50 क्वेश्चन में आपको मिनिमम 44 से 45 क्वेश्चन स्कोर करना ही करना है। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। फिर दो टारगेट आता है, एक आपका होता है इंग्लिश और एक आपका होता है जीएस। तो इंग्लिश देखो, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भले डिप्लोमा किए होते हैं लेकिन वो डिप्लोमा जनरली कौन करता है, आप इस बात को समझो, डिप्लोमा जनरली यूपी बोर्ड का बच्चा करता है या कोई स्टेट बोर्ड का बच्चा होता है, वो डिप्लोमा करता है जो अपनी रीजनल भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी स्टेट लैंग्वेज में उस डिप्लोमा को क्या कर रहा होता है, क्लियर कर रहा होता है। उसे इंग्लिश के इतने टर्मोलॉजीज नहीं पता होते, हालांकि बुक्स आपकी मीडियम इंग्लिश ही होती है बट वो हिंदी से ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो इंग्लिश में क्योंकि वो स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा है, इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन मैं इतना बोल दूंगा कि इसमें बहुत बैलेंस पेपर आता है। जैसे दो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, दो सिनोनिम्स, दो एंटोनिम्स, दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दो इडियमेटिक फ्रेजेस, एक एक्टिव पैसिव, एक आपका नरेशन आता है, दो फिलर आएगा, दो करेक्शन आएगा, दो पीक्यूआरएस आएगा, 5 क्रॉस टेस्ट आएंगे। और अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर ले, मैं इतना बोलूंगा जितना परीक्षा प्लस में सर पढ़ा रहे हैं आपके उतना कवर अच्छे से कर लोगे तो भी आपका मिनिमम कितना आ जाएगा, 20, 15 से 20, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 15 से 20 आप इसमें स्कोर करने का प्रयास करो, 20 ज्यादा टच करने का प्रयास करो। और जीएस में आप केवल क्या करंट अच्छे से पढ़ लो, करंट पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, बाकी कुछ मत पढ़ो। करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लोगे तो आप 20 प्लस स्कोर करोगे। हालांकि एसएससी की जीएस बहुत रिलेवेंट होती है बट यहां पे अन्य एसएससी के एग्जाम की अपेक्षा यहां पे जीएस में नंबर स्कोर करना आसान है। तो अगर हम 44 45 यहां पे ले लें और यहां पे करीबन हम 20 और 15 35 ले लें तो यहां पे कितना हो गया, 80 क्वेश्चन आप पहुंच रहे हो। मैं कह रहा हूं कट पिट के आप कितना 80 आप टारगेट बना रहे हो, और थोड़ा बहुत कटे पिटे, थोड़ा बहुत एरर वगैरह हो तो 80 में फिर भी अगर आपके 75 तक स्कोर हो रहे हैं तो ये आप बहुत अच्छे हो गए, और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये बात आप समझते हुए चलना। अब देखो पार्ट टू में आते हैं हम लोग। यहां पे एक बार मुझे आप लोग बताते चलना कमेंट में कि कौन सा आपका पार्ट है। मैं यहां पे ज्यादा चर्चा करने वाला हूं फिजिक्स का,
कंप्यूटर सीएस और आईटी का आशीष सर ने आपको अलग से ही बना दिया है, तो उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अब फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में 100 क्वेश्चन है, इसमें यूनिट कितनी है, यूनिट है टोटल 10, यूनिट कितनी है 10, इतना बात समझना, यूनिट है 10 और उस 10 यूनिट में केवल 4 यूनिट से, केवल 4 यूनिट से, मतलब आप मैकेनिक्स पढ़ लो, मैकेनिक्स आप पढ़ लो, मैकेनिक्स के बाद आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपका ऑप्टिक्स हो गया, ये 3 चैप्टर हो गया और आपका वेव हो गया, इससे ही आपके 80+ क्वेश्चन यहां से कवर हो रहे हैं इन 4 पार्ट से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये 5 पार्ट जो है, 80 से 85 क्वेश्चन आपका यहां से कवर हो रहा है, बाकी जो आपके 5 यूनिट है उसमें से केवल 10 से 15 क्वेश्चन कवर हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिजिक्स वाले हो तो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक केवल इन चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता। एक बार हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा था उसके आधार पर हम करेंगे। पार्ट वन का तो मैंने आपको बता दिया है, ये हमारी किताबें हैं जो परीक्षा प्लस से आपको ये सारी किताबें मिलने वाली हैं, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, इंग्लिश की अलग और जीएस की अलग। इन किताबों को कोर्स से जुड़ने के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं कि कोर्स से अगर आपको जुड़ना है तो कोर्स से जुड़ने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, और ये जो पूरा कोर्स है ये 7000 का कोर्स है, बट ये क्या है, बहुत ज्यादा इस पे ऑफर होके केवल और केवल 999 में ये कोर्स दिया जा रहा है, तो इसमें आप जुड़ सकते हो। आप कोई भी, आप चाहे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इस बार नहीं चलाया जा रहा है, आप फिजिक्स से सीएस आईटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आप यहां पे जुड़ सकते हो, और यहां पे परीक्षा प्लस में 7000 का कोर्स 999 में, इसमें आप एक बार फीस देनी है, आपको पार्ट वन पार्ट टू दोनों कवर कराया जाएगा, आपके ही कोर्स में फिजिक्स वाला भी रहेगा, आपके ही कोर्स में सीएसआईटी वाला भी रहेगा। आप चाहो फिजिक्स पढ़ो, आप चाहो सीएसआईटी पढ़ो, हो सकता है कि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी दूसरा सब्जेक्ट आपको वहां पर मदद मिल जाएगी, आपको कोई दूसरा बैच लेने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, ये परीक्षा प्लस से किया जा रहा है, बट परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पर आपको यह क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये मैं बोल रहा था कि जो हम देख लें कि किससे आता है, मैकेनिक्स देख लो। अब मैकेनिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है बहुत सिंपल होता है, मतलब आपको टारगेट क्या करना है, देखो यहां पे समझना, ऐसा नहीं हेक्टिक, मतलब कि पता नहीं क्या पूछा जाता है। एक तो पहली बात क्या है, आपको फॉर्मूला सारे पते होना चाहिए, सारा फॉर्मूला, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मतलब ये नहीं कि आपसे न्यूमेरिकल लगवाएगा, नहीं, मैक्सिमम ये क्या करता है, अगर हम पूरे फिजिक्स को तोड़ दे तो पूरे फिजिक्स के 100 क्वेश्चन में ये करीबन 15 से 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेगा, ये न्यूमेरिकल पूछेगा मतलब फॉर्मूला का प्रयोग करवाएगा, और ये न्यूमेरिकल बहुत बेसिक होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, मतलब कैसे पूछेगा, जैसे V इज इक्वल टू आई आर पे ये पूछेगा, R इज इक्वल टू पैरेलल में है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 इस पे क्वेश्चन पूछेगा, या V इज इक्वल टू यू प्लस एटी पे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेगा एकदम जो नॉर्मल होता है, या BIL पे फॉर्मूला क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही नॉर्मल पूछता है। तो 15 से 20 न्यूमेरिकल पे बेस्ड होते हैं, उसके बाद आपके करीबन 40 क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है, फॉर्मूला बेस्ड मतलब कि केवल सिंपल फॉर्मूला पूछ लेगा, जैसे पूछेगा कि अगर कोई चार्ज है वो इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसका कितना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो 1/4 π/ε(Q1Q2)R2, बस सिंपल फॉर्मूला आपको लिख देना है, सिंपल बोलेगा अगर पृथ्वी के अंदर एच हाइट तक जा रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, गासला क्या होता है, फराडेला क्या होता है, ये सिंपल सा आपका पूछता है, बर्नौली थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, साइन आई बराबर μ1/μ2, सिंपल सा बात, फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर फॉर्मूला आप केवल रट लेते हो, और इसके लिए मैं आपको दिखा दूं, ये स्पेशल परीक्षा प्लस क्या कर रही है, कंपेंडियम आपके लिए तैयार कर रही है, और ये कंपेंडियम आपके लिए बहुत ज्यादा ही उपयोगी साबित होने वाला है। ये अगर आप देखो, हाँ, ये आपका वो कंपेंडियम है, ये करीबन आपका अभी 11 से 15 पेज तैयार हुआ है, ये आपको टोटल फिजिक्स के लिए स्पेशली, ऐसे सीएस में भी दिया जाएगा, फिजिक्स के लिए स्पेशली 25 से 30 पेज की कंपेंडियम होगी, और गारंटी के साथ मैं इतना बोल रहा हूं कि इस 25 पेज में आप 50+ अगर ये रट डाले, आपको कुछ आता जाता हो, कभी फिजिक्स पढ़े हो ना पढ़े हो, केवल ये 15 से 20 पेज का मैं आपको कंपेंडियम दूंगा, पर आप बाकी चीजें ठीक है कोर्स आप पढ़ो, लेकिन ये 15-20 पेज अगर आपको रट गए एकदम जुबान पे, आपको सारी चीजें हैं यहां पे, मैंने सारे कांस्टेंट लिख दिए हैं कि आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम क्या होता है,
अगर ये सारी चीज अगर आपको रट गई और ये सारे फॉर्मूला जो मैंने दे दिया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 55 क्वेश्चन आप फ्री नंबर लेके आओगे, 55 से एक भी नंबर कम नहीं आएगा। और ये अगर थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो वो 70-70 तक पहुंच जाओगे केवल 25। अब आप सोचोगे सर आप किस दावे के साथ कह रहे हो कि आप एक पीडीएफ पढ़ लेने से 75 क्वेश्चन आ जाएगा। बिल्कुल ये बच्चा केवल विश्वास नहीं कर पाता, कर नहीं पाता। हाँ, इसको याद करना एक अलग चीज है और इसे कंज्यूम करना एक अलग चीज है। इस 20 ये जो 20 पेज का पीडीएफ है ना, ये गागर में सागर है। इसको समझने के लिए हमें 2 महीना लगेगा, लेकिन याद करने के लिए आप डेली बेसिस पे आप एक पन्ना डेली रट डालो। आपको याद करना है कि रिंग का क्या होता है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआर स्क्वायर याद कर लो, सिलेंडर का क्या होता है, हॉलो सिलेंडर का एमआर स्क्वायर याद कर लो, एकदम रट्टा मार दो तो ये 55 से 60 क्वेश्चन आपका इस पीडीएफ से कवर हो जाएगा। और ये आपको कोर्स में मिल रहा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मैकेनिक्स से केवल मैकेनिक्स से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर देखा जाए तो ये यूनिट और डायमेंशन का एक क्वेश्चन था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन था पिछली बार, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम से एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, प्रोजेक्टाइल से एक क्वेश्चन था, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था इससे 2 क्वेश्चन था, उसके बाद रोलिंग मोशन से क्वेश्चन नहीं था बट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन पूछा था, पेरिटेटी और केप्लर से पिछली बार क्वेश्चन नहीं पूछा था बट इस बार पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से नहीं पूछा था इस बार पूछा जा सकता है। और भी अगर हम देख ले तो देखो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका ये बर्नौली थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ बीम्स इंपॉर्टेंट है ये, और उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये थोड़ा सा स्पेशल। ये इतने में ही मैक्सिमम जो 20 क्वेश्चन है वो इतने से ही कवर हो जा रहे हैं, बट फिर भी आपको पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। मतलब मैकेनिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो 20 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, ऐसे ही करके थर्मल फिजिक्स रेडिएशन और साउंड पढ़ लोगे, इसमें साउंड केवल नाम भर का लिखा है, बस थोड़ा सा नोड एंटी नोड से 1-2 क्वेश्चन पूछता है क्या होता है नोड, क्या होता है अगर ओपन नोड होगा तो क्या होगा, तो ये 20 क्वेश्चन आपका इससे पूछता है थर्मल और फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन आपका वेव एंड ऑसिलेशन से पूछेगा, 10 क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से पूछेगा। तो वेव एंड ऑप्टिक्स टोटल 20 ऐसे मान सकते हो, छोटे छोटे आपके यहाँ पे हैं, और केवल वेव और ऑप्टिक्स से डेफिनेशन बनता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा। तो आप देखो आप केवल क्या पढ़ लिए, मैकेनिक्स पढ़ लिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लिए, और चौथा क्या पढ़ लिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इन 4 चैप्टर से केवल कितना पूछ रहा है, 80। 80 क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, 80 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मैकेनिकल से पूछ रहा है, 20 क्वेश्चन आपका थर्मो से पूछ रहा है, 20 क्वेश्चन आपका किससे पूछ रहा है, वेव एंड ऑप्टिक्स से पूछ रहा है, और 20 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म से पूछ रहा है। तो ये 4 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है और 80 क्वेश्चन आपका 100 में से यहीं से कवर हो जाएगा, आप बाकी पढ़ो या ना पढ़ो। बट फिर भी छोटी छोटी चीजें जो आपकी जानकारी दे दी जाएंगी, जैसे आप देखो 15 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो एक अगर आप और यहां पे जोड़ लोगे 5 यूनिट, क्या पढ़ लोगे, 5 यूनिट अगर आप पढ़ लोगे, है ना, 15 क्वेश्चन किससे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ये थोड़ा आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट होता है, बट अगर थोड़ा यहां पे पढ़ लेते हो तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 95 तो यहीं पे कवर हो गया। और अगर 5-10 में से 5 यूनिट पढ़ने में 95 आप पढ़ लेते हो, इसमें से आप 80 सही कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगा कि जो अपने डिप्लोमा में या अपने ग्रेजुएशन में थोड़ा गंभीरता से नहीं पढ़े हैं, वो भी मिनिमम 60 आप स्कोर करने का प्रयास करो। अगर आप यहां पे 60 स्कोर करोगे तो पार्ट वन में आपको कम से कम 80 से 85 लाना पड़ेगा, जो 80 के ऊपर एक एक नंबर चैलेंज होता है। तो केस ये बनता है कि दोनों ही, चाहे वो पार्ट वन हो, अगर आप स्मूथली स्ट्रेटजी लेके चलते हो, ये एकदम इनिशियल है, बाकी आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो समय समय पे आपको क्लास में मैं एक एक चीज आपको बताता चलूंगा, एक एक टॉपिक क्लियर कराता चलूंगा। क्लासेस आपको बहुत सारी रिकॉर्डेड दे दी गई है। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास 2 महीना है तो पार्ट वन आपका पूरा आपका लाइव चलेगा, पार्ट टू में हम ऐसे तैयारी करेंगे कि जिसमें मैक्सिमम क्या हो रहा है रिकॉर्डेड आपको दे देंगे, आप उसे पढ़ते रहो, और लास्ट टाइम में हम इतना आपको रटा देंगे, इतना आपको बहुत अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, जो कॉन्सेप्ट की वीडियो होगी वो हम रिकॉर्डेड देंगे, उसके बाद किस बेसिस पे हमें क्या मेन पढ़ना है, क्या एमसीक्यूज करना है, वो आपको लाइव क्लासेस करा के और बहुत विधिवत तरीके से आपका स्कोर हम लोग बूस्ट करा देंगे। तो पार्ट वन में आपको मिनिमम टारगेट करना है, और अगर 70 से 80 के बीच में यहाँ पे स्कोर आ जाता है तो पार्ट टू में आपको कहां से करना है, 75 से 65 तक स्कोर करना है। अगर यहां पे दोनों मैक्सिमम आ गया तो आप 155 नंबर पा जाओगे, और अगर दोनों मिनिमम आ गया तो भी आप कितने पा जाओगे, 135 से 140 के
करीब में आ जाओगे आप इसे लेके चलो, तो 140 से 155 के बीच में आपका टारगेट होना चाहिए। कोई ज्यादा पा जाता है तो कोई बात नहीं भाई, आपको अपना लोकेशन मिल जाएगा, आप जहां चाहोगे प्रायोरिटी भरोगे वहां मिल जाएगा, उससे बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ना ही कोई ग्रेड पे प्रभाव पड़ेगा, ना ही सैलरी पर प्रभाव पड़ेगा, ना ही कोई टॉपर को नोबल प्राइज मिलेगा, सभी को समान वेतन मिलेगा, समान जॉब मिलेगी, समान उसकी इज्जत मिलेगी, सब कुछ बराबर है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपना मन चाह क्या पा जाओ, थोड़ा सेंटर पा जाओ, वहां पे केंद्र पा जाओ, बस इतना हो सकता है। केंद्र इन द सेंस कि आप नौकरी जॉब का जॉब लोकेशन हो, वो आपके मनमापी हो जाए, वो भी उसने साफ साफ लिख दिया है कि पूरे पैन इंडिया में कहीं भी आपको नौकरी करने की को भेजा जा सकता है, तो इसलिए बहुत टॉप मारने की आवश्यकता नहीं है, आप 140 से 155, लेकिन ये क्लियर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इतना है तो है आपका आना चाहिए। तो बाकी पेपर डिस्कशन की कैसे होगा, एक बार हम पार्ट वन में देख लें आपको क्या क्या पढ़ना है। पार्ट वन में देखो, मैथ्स में देखा जाए तो मैंने आपको मैथ्स में बताया, ये जनरल इंटेलिजेंस से पहले हम लोग रीजनिंग को देख लेते हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, है ना। रीजनिंग को देखो तो इसमें एनालॉजीज कौन सा पार्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालॉजीज से 3 क्वेश्चन और एसएससी के सारे पेपर में एनालॉजी का, एनालॉजी में क्या होता है, सीधा शब्द से एनालॉजी पूछ लेता है, उसके बाद मैथ्स के नंबर से एनालॉजी पूछ लेता है कि स्क्वायर बन रहा है, क्यूब बन रहा है, या फिर आपका अल्फाबेटिकल से पूछ लेता है, तो ये तीनों टाइप के एनालॉजी हो जाएंगे। ऑड वन आउट से भी 3 क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्या हो देगा नंबर का ऑड वन आउट दे देगा, एक किसी शब्द का ऑड वन आउट दे देगा, एक क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकल सीरीज का ऑड वन आउट दे देगा, तो ये हो जाएगा। कैलेंडर से क्वेश्चन, डाइस से क्वेश्चन, सिलॉक से क्वेश्चन, फिगर सीरीज से क्वेश्चन, एम्ब्रेड से क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन, वेन डायग्राम से क्वेश्चन, ये सब क्या होंगे, एक एक क्वेश्चन है, मतलब आपको सारे टॉपिक कवर करते हुए चलने हैं। तो रीजनिंग में आपको जैसे एसएससी का रीजनिंग पूछता है वो पूछता है, ये आपके टॉपिक्स होते हैं, डिक्शनरी से एक क्वेश्चन हो गया, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा जैसा आशीष सर पढ़ाते जा रहे हैं वैसा वैसा आप केवल करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, दैट्स इनफ, आपको वो 25 में 25 दिला देंगे इस बात की गारंटी, अगर उनकी केवल आप सारी क्लास कर लो, जो वो प्रैक्टिस सेट देते हैं वो आप कर लोगे तो 25 में 25 कर लोगे। मैथ्स आपको मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में आपको मैक्सिमम पार्ट जैसे आपका मैकेनिक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रो और मैग्नेटो वाला पार्ट हो गया, और आपका वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया, ये मैं पढ़ा दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स सबके कुछ अन्य सर पढ़ाएंगे। तो यहां पे देखो नंबर सिस्टम और प्रोग्रेशन, केवल नंबर सिस्टम जैसे डिविजिबिलिटी हो गया, है ना, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लिया, फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछ लिया, वो मिला के 4 क्वेश्चन था, रेशियो से क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन, टाइम स्पेस डिस्टेंस से क्वेश्चन, एवरेज से। अब मेन ये है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो इजी होता है, ये ध्यान देना, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। मैंने आपको अभी परसेंटेज का एग्जांपल दिया ही, सीधा बोल देता है कि किसी वस्तु का इतना सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, रेशियो दे देगा, ये 2:4:6:2 यहां पे क्या होगा, सीधा आपको क्या प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन लगा देना होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपका मैथ्स में पूछता है। और ट्रिग्नोमेट्री का देखो, यहां पे चैप्टर कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन तो आपको डीआई के मिलेंगे, 3 ट्रिग्नोमेट्री मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट का पिछली बार पूछा गया था, और 4 आपका क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था। तो यहां भी एसएससी वाले स्ट्रेटेजी चलेगी, एलजेब्रा का पार्ट यहां पे थोड़ा सा कम पूछा जाता है, बट औरों से ये भी अच्छा होता है, मतलब आप केवल नंबर सिस्टम पढ़ लो, आप एलजेब्रा पढ़ लो, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, आप ज्योमेट्री पढ़ लो, और आपका ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3-5 चैप्टर पढ़ लोगे, तो 3×3=9, 2×9=11, 11×4=15, यानी कि 15 क्वेश्चन आपका केवल 5 चैप्टर से कवर हो जाएगा, बाकी सारे आप पढ़ते जाओ, सब एक एक क्वेश्चन देंगे, लेकिन इसमें बहुत डीप नहीं जाना है। तो यहां पे एक चीज समझ में आता है, हमें डीप किस चैप्टर में जाना है, ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, और उसके बाद किस में जाना है, डीआई में, डीआई में बहुत डीप नहीं जाना है, हालांकि फिर भी प्रैक्टिस हमें करता रहना है। तो यहां पे मेन आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, एलजेब्रा हो गया, और इसमें भी कोऑर्डिनेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, सीधा पूछ लिया था कि 2:3 का ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग्स में क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, सिंपल पूछ लिया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये 0.2:3 है, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ये -2:3 हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन आंसर ये आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आपका, बस सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो ये आसान पूछता है, मैथ्स में स्कोर करना आसान है। उसके बाद देखा जाए इंग्लिश में, आप देखो तो इंग्लिश में इसने कितना बैलेंस इंग्लिश पूछा है, आप देख सकते हो सब में 2-2 पूछा है, केवल क्लोज टेस्ट में क्या पूछा है, 5 पूछा है। तो आपसे एरर फिलर, फिलर में ये वोकैब बेस्ड होते हैं, ये भी वोकैब बेस्ड हो गया,
ये भी वोकैब वेस्ट हो गया, ये भी वोकैब वेस्ट हो गया, ये भी आपका ये भी वोकैब वेस्ट हो गया और ये भी आपका वोकैब वेस्ट हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दो बारह बारह और ये क्लोज टेस्ट भी वोकैब टेस्ट रहा है, मतलब 17 से 18 क्वेश्चन केवल आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग करने से हो जाएगा। तो आपको ऑलरेडी सर्वेश्वर इतना जबरदस्त क्लास दे रहे हैं, आप उसे कवर करो। इसीलिए वोकैब की स्पेशल क्लास आपकी चलाई जा रही है सुबह 10:30 AM पे, 10:30 बजे बहुत बेहतरीन क्लास वोकैब की चल रही है। आप केवल उसे लास्ट टाइम तक 2 महीने कंटिन्यू कर लोगे तो इस 17-18 में से 15+ आपका वोकैब तो ऐसे ही स्कोर हो जाएगा, बाकी आप इंग्लिश में जितना कर पाओ वो आपका पार्ट हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हम यहां पे भी टारगेट करने का प्रयास करेंगे। जीएस में देख लो तो जीएस में जैसे मैंने यहां पर बताया है कि करंट के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के करीबन 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री के भी 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अगर ले लिया जाए और पॉलिटी पॉलिटी यहां लेकिन कम पूछता है इसे केवल ले लिया जाए तो इसमें 6, 4, 10 और 10, 20 क्वेश्चन आपका केवल यहां पे कवर हो रहा है। तो अन्य पढ़ने की आवश्यकता क्या है? अन्य में आप देखो फिजिक्स तो यहां पे 2 पूछ ही रहा है, तो जिनका फिजिक्स है उनको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये 2 नंबर तो आपके लिए बोनस होगा। बायो पूछता नहीं है तो साइंस में या तो फिजिक्स पूछेगा या तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी नॉर्मल एटॉमिक थ्योरी से ही पूछेगा। तो ये कायदे से ये 3 नंबर तो आपके लिए बोनस है, प्लस मैथमेटिक्स का एक है तो मैथ्स आप पढ़ोगे ही, ये भी आपका बोनस है जीएस में। तो बोनस जीएस में तो 4-25 में से 4 आप पहले ही पा जा रहे हो, आपको 21 में से लेके आना है और 21 में से 20 नंबर केवल आपके ये टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो आप केवल करंट ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और करंट आप करते जाओगे तो आप जीएस में, इसलिए मैं बोल रहा हूं अन्य एसएससी एग्जाम की अपेक्षा ये वाला आपका ज्यादा आसान है जीएस में नंबर लाना। या आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होते या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होते तो मैं आपको एक बार बोलता कि नहीं भैया आपका जीएस क्या हो सकता है कि कम नंबर आएगा, बट एसएससी के आईएमडी में आपका जीएस क्योंकि ये मैथ्स भी बोला है रीजनिंग भी सिर्फ पूछेगा, अगर एक रीजनिंग भी पूछ ले तो और नंबर आपको बोनस हो जाएगा। मतलब 25 क्वेश्चन में 5 आप पहले से ही पा चुके हो और उसके बाद 20 में आपको मेहनत करना है, उसमें भी केवल 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। और अब हिस्ट्री में भी पढ़ना क्या है, बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत डीप नहीं जाना है। जैसे आपको अगर एंशियंट पढ़ रहे हो तो बुद्ध पढ़ लो, जैन पढ़ लो, बुद्ध के सारे पितक पढ़ लो, ये सारे हो गए। मेजर जो डायनेस्टी है उनका स्टार्ट कब से हुआ, उनके मुख्य जो रूलर रहे हैं उनके बारे में पढ़ लो, मुख्य लड़ाइयों के बारे में पढ़ लो। उसके बाद आ जाओ मॉडर्न इंडिया में तो जो पहले कंपनियां आई उसके बारे में उनका क्रोनोलॉजी याद कर लो। उसके बाद 1857 की क्रांति में सीधा आ जाओ, मेन मेन जो पर्सनालिटीज हैं गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सबके बारे में मेन मेन जहां पे इनकी घटनाओं का क्रम है उनसे पढ़ लोगे तो हिस्ट्री में आपके नंबर उठ जाएंगे। ज्योग्राफी में आपको ऐसा नहीं कि विश्व की ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ लो, उसकी अक्षांश रेखा पढ़ लो कि भाई ऊपर से नीचे तक कितना है डिस्टेंस, दक्षिण से पश्चिम तक कितना डिस्टेंस है, कौन कौन से राज्य उसके कौन कौन से जो देश हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसके नीवर कंट्रीज हैं, कौन कौन सा राज्य की मैक्सिमम कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा क्या है उसके स्टेट बाउंड्रीज हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, पॉलिटिकल आपको तैयार करना है। थोड़ा बहुत पर्वत पढ़ लो, थोड़ा बहुत नदियां पढ़ लो और थोड़ा बहुत आपका पढ़ लो फिर जलवायु पढ़ लो, इससे ज्यादा आपका ज्योग्राफी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं पूछेगा। पर्वत नदियां दर्रे पॉलिटिकल ज्योग्राफी 4 पार्ट आप ज्योग्राफी में केवल पढ़ लोगे तो आपका ज्योग्राफी में 4-5 क्वेश्चन सब करने में सक्षम हो जाओगे। बाकी आप हिस्ट्री ज्योग्राफी से ही आप देख सकते हो कि 10-12 क्वेश्चन आपका यहीं पे कवर हो रहा है। बाकी पॉलिटी में भी आप केवल 1 से लेकर 100 तक आप क्या याद कर लो, केवल आपको अनुच्छेद याद करना है, मतलब फंडामेंटल राइट पढ़ लो, डीपीएसपी पढ़ लो और फिर आप सिटीजनशिप पढ़ लो, यही 3-4 चीज पढ़ लो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और संसद, इतनी सारी चीज पढ़ लिए तो आपका फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर आप पॉलिटी में भी 100% लेके चले जाओगे। तो ये आपकी एक क्या है पार्ट 1 की स्ट्रेटजी है। पार्ट 2 की स्ट्रेटजी में आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको केवल 5 पार्ट अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा पढ़ना है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, जो बेसिक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा 15 से 15-20 में ज्यादा लिख दिया हूं, 10 से 12 ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है और अगर उसमें से 4-5 भी आप कर लेते हो तो मुझे लगता है चिंता वाली बात नहीं है। फिर फिजिक्स कैसे पूछता है, फिजिक्स कॉमन पूछता है। आप ऐसे समझो कि मैं आपको एक शब्द में बोलूं कि फिजिक्स कैसे पूछता है, तो अगर आप ट्वेल्थ की फिजिक्स आप भले ही डिप्लोमा करके आए हो या कोई और बीएससी करके आए हो, आपके केवल क्या है ट्वेल्थ की फिजिक्स, और ट्वेल्थ की फिजिक्स में आप मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ लो, आप थर्मो अच्छे से पढ़ लो और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे
अच्छे से पढ़ लो, ये तीन पढ़ लोगे तो 60 नंबर आपका यहीं पे कवर हो गया। और अगर आपको वेव और ऑप्टिक्स में से जो समझ में आए, क्योंकि ऑप्टिक्स आप जनरली और भी जगह पढ़ते हो जहां पे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो 10 क्वेश्चन आपका यहां कवर हो जाएगा, मतलब 70 क्वेश्चन तो आपका यहां पे कवर हो गया। ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वेव भी पढ़ने में कुछ नहीं जाता, और एक आपका क्या हो गया, एक आपका इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल दो, किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इन दोनों पार्ट को भी पढ़ लोगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आपका यहां पे कवर हो जाएगा। मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ये होनी चाहिए फिजिक्स के पढ़ने की। अब बात आती है कि हम कहां से पढ़ें, कैसे तैयारी स्टार्ट करें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं भैया कि टीम परीक्षा प्लस ऑलरेडी मिनिमम फीस में जाइए, आप कहीं भी टहल के आ जाइए। देखिए लास्ट में होता क्या है कि मैक्सिमम लोग केवल कुछ नहीं चेंज करते, कवर चेंज करके आपको दे देते हैं, किताबों के मामले में कोई भी पब्लिकेशन लेके आएंगे कुछ नहीं चेंज होगा, केवल कवर चेंज होगा। जबकि परीक्षा प्लस हर बार, और ऐसा नहीं कि आप कोई छोटे बच्चे हो या फिर कोई ऐसे बीए वाले बच्चे हो जो आपको बेवकूफ बना लिया जाएगा, बहुत अच्छे से आप उसका मटेरियल देखिए, डेमो देखिए, कहीं भी देखिए, और आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ यार इस कंटेंट में कितना दम है। और इसीलिए मैंने आपको बताया ना, टीम उस पर कंपेंडियम पे मेहनत कर रही है कि आप कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाओ, पीएचडी करने की आवश्यकता यहां पे नहीं है। तो यहां पे आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स से क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, ठीक है। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। 7000 की फीस है, इसमें केवल 999 की फीस ली जा रही है। इसमें पार्ट वन और पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही कवर कराया जा रहा है। पार्ट ए मतलब जीएस, ये चार पार्ट वाला, और पार्ट बी मतलब सीएसआईटी हो गया या फिर आपका क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग नहीं चला रहे हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, या फिर ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें चलाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी टीम की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस हो जाती है, इस कारण से यहाँ पे जो चलाएंगे उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी देंगे, ये बात है, वरना हम नहीं चलाएंगे। तो पार्ट ए पार्ट बी आपका कवर कराया जाएगा। इसमें आपको क्या दिया जा रहा है या मैं आपको बता दूं, ये भी ध्यान से सुन लो, इसमें आपको रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट के सारे रिकॉर्डेड क्लास दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लाइव क्लास दिया जा रहा है, आपको एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, एमसीक्यू के क्या करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा आपका, और लास्ट टाइम रिवीजन, लास्ट टाइम जबरदस्त प्रिपरेशन जो रिवीजन होता है वो आपका करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी जो इसमें नोट्स आपके हैं, नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये सारे पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, सारे ही पार्ट के मिलेंगे, वो किताबों के फॉर्म में मिलेंगे, ये वो बुकलेट है ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे, वो चाहे टेक्निकल पार्ट हो या फिर वो चाहे जनरल पार्ट हो, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो अगर आप इससे इच्छुक हो, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा पेस देना चाहते हो, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हो। बाकी स्वैच्छिक है, कोई इसमें वो नहीं है कि आप नहीं, हार्ड एंड फास्ट में यहाँ पे आपको बैच का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, उसका मैं अलग ही कर लेता। मैं आपको बस इतना बताया हूँ कि जो आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो, वो बहुत आसान है कि आप बहुत आसान तरीके से इस नौकरी को ले सकते हो। समय कम है, आज से ही लग जाओगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। बाकी हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी हमसे जुड़ गए हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का, एक जो बोल सकते हो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ गई, उस जिम्मेदारी का हम बहुत अच्छा निर्वहन करेंगे भी। बाकी कोई भी प्रश्न आपका है तो आप हमसे पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, किसी भी तरीके से पूछ सकते हो, कुछ भी आपकी समस्या है तो उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।